हाँ जी गाइस अपेयरिंग फॉर मे 22 टू लास्ट फोर्टीन फिफ्टीन डेज फॉर योर एग्जाम्स सो वेदर यू आर सी ए इंटर और वेदर यू आर सी ए फाइनल बहुत जगह डर का माहौल है कन्फ्यूजन है बहुत लोग सर मैं क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा सर कहाँ से शुरू करूँ ये जो दर्द है ख़त्म ही नहीं हो रहा है ऑडिट के लिए डी टी समुंदर है सर खत्म ही नहीं हो रहा है कैसे करूँ सर कैसे करूँ सो वेदर यू आर इंटर वेदर यू आर फाइनल थ्रू आउट दोनों लेवल्स पे कुछ फाउंडेशन वाले बच्चे होंगे उनको भी बहुत बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा बॉस ध्यान रखो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है तो क्लियरली से आई कैन डेफिनेटली डू इट आई कैन डेफिनेटली डू इट एग्जाम सेंटर्स अलाउट हो चुके होंगे हॉल टिकट आ गई होगी आ रही होगी आ गई होगी ठीक है ध्यान रखना जो ये जर्नी होती है इंटर अपेयरिंग फॉर फाइनल जो ये जर्नी है 16 paper, आपके लिए आठ दिन है वहां पर बाकी सबके लिए तो सोलह दिन के एग्जाम से फाउंडेशन के लिए कम होते हैं सबसे क्रूशल वो है बिकॉज इट इज नॉट योर एग्जाम इट इज़ द एंटायर फैमिलीज एग्जाम बिकॉज वी इच वन आस्ट कम फ्रॉम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ठीक है आपने जब एग्जाम दी अभी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा मम्मी बेटा आप घर बेड पर बैठे बैठे मम्मी चाय लाना मम्मी पानी देना मम्मी भूखू लग गई कुछ खाने को देना मम्मी मम्मी कुछ गर्म बना देना बेड पर बैठे बैठे आपने मांगा मम्मी ने कभी मना नहीं कि मम्मी ने आपको ला के दिया पापा अगर दुकान जाते होंगे काम पे जाते होंगे ऑफिस जाते होंगे आके शायद एक बार पूछते होंगे कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है आपको कभी स्ट्रेस नहीं दिया होगा राइट हां कभी छोटा मोटा कुछ काम होगा बैंक का काम होगा कुछ काम होगा बात अलग है बट बाकी कभी आपको तकलीफ नहीं दी फाइनल uh, वालों तुम तो 22 तेईस साल के होंगे राइट तो पापा आपके 45 50 के होंगे बट स्टिल इज वर्किंग फॉर यू भयंकर भयंकर मतलब बॉम्बे की अगर बात करूं तो भयंकर में, में, में राजस्थान के तो बात भी छोड़ दो फिर वहां तो लू चलती है लू लू सेंट स्टॉम पूरा परिवार एग्जाम देता है सीए में भैया पूरा परिवार एग्जाम देता है तो so, ध्यान रखना एक गलत स्टेप एक गलत सोच पूरे परिवार को नीचे ला देगा एंड एज इंडिविजुअल आई डू दैट सो वॉट डू यू डू 16 डेज आर गाइस नो मिस्टेक्स नो नेगेटिव फीलिंग नो टॉक्सिक पीपल नो टॉक्सिक फीलिंग्स ओनली मे ट्वेंटी टू क्योंकि अब की बार मे पार ध्यान रखना मतलब वो मम्मी का सपना वो पापा का सपना क्योंकि भैया जब फाउंडेशन क्लियर होते हैं ना फाइनल वाले जो फाउंडेशन क्लियर थे मम्मी पापा ने रसगुल्ले बांटे थे मम्मी तो रसगुल्ले बटते ही है फाउंडेशन पास होने पर सीपीटी पास होने पर इमेजिन टाइम द डे यू इंटर हो टाइम यू क्लियर फाइनल सी ए पूरी दुनिया में ऐलान होगा पूरी दुनिया में ऐलान होगा ये मेरा बेटा है सीए बन चुका है ये, ये मेरी बेटी है सीए ए बन चुका मेरी बेटी दस लाख रुपए रूपये मेरे बेटा है बीस लाख रुपए कमा रहा है इतना जबरदस्त फीलिंग आएगा एंड बॉयज लेट मी टेल यू द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन अ बॉयज लाइफ इन अज टू हग इज फादर जनरली नाइनटी नाइन परसेंट बच्चे लड़के पापा को हक नहीं कर पाते हैं एंड ट्रस्ट में एक यही मौका होगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन तुम हक करोगे एंड एक लेवल से एंथुसियाजम से प्यार से जोश से एंड उस दिन तुम देखोगे पापा के हक में खुशी के आंसू आंसू नहीं खुशी के आंसू है वो

आदर फेस भी नहीं कर पाते सीधा सुमरे में निकल जाते आठ घंटा पुश करो साढ़े आठ नौ घंटा जहां बारह घंटा लगा, लगा लो साढ़े बारह एक तेरह घंटा तुमको फ्रस्ट्रेशन आ रहा सर नहीं हो रहा है बट सोचो क्या जरा, पास हो गया मैं चार सौ पर आया भैया क्या जिंदगी बन जाएगा मेरा तो so, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है आई इट क्योंकि अब की बार आखिरी बार अब की बार मेरे पास कर दिखाओ उन लोगों को कर दिखाओ जिन्होंने आपको डिमोटिवेट किया है उन लोगों को कर दिखाओ जिन्होंने आपको रोका है उन लोगों को कर दिखाओ आपके पास आपके स्ट्रगल है आपके पास आपकी स्टोरी है मे बी फाइनेंशियल मे बी हेल्थ इश्यूज व्हाट एवर इट इज किसी की तबीयत खराब है किसी को कोरोना में कुछ हो गया था और एनी अदर एक्स वाई सी हेल्थ इश्यूज किसी को फाइनेंशियल स्ट्रगल है कोई बहुत छोटे से शहर से है छोटे से गांव से है Uh, शायद उसने ट्यूशन नहीं लिए होंगे शायद उसने यूट्यूब से पढ़ा होगा शायद उसने किसी और की बुक बॉलो करके पढ़ी होगी मतलब एवरी वन हैजर ओन स्टोरी ऑफ सक्सेस एंड इफ दैट स्टोरी इफ यू वॉन्ट टू कम इन फ्रंट ऑफ एवरी वन तुम आज इंस्टाग्राम पर लोगों की मोटिवेशन लाइक करते हो रहे यार क्या भैया क्या बंदा है क्या बंदी है भैया एक दिन तुम्हारी भी पिक्चर बनेगी अच्छी वाली बनेगी तुम भी इंस्टाग्राम पे फैले जाओगे तुम भी हर जगह दिखोगे क्योंकि अब वो टाइम आ गया है लास्ट पंद्रह दिन एंड वो सोलह दिन एग्जाम का गिव योर बेस्ट शॉट नो डर का माहौल होता है इस बार करके आएंगे इस बार, बार. मतलब आठ में से आठ में से एक पेपर मैं कहता हूँ थोड़ा सा टफ होगा बट सात पेपर तो सर अपनी जेब में है एक पेपर हम मैनेज कर लेंगे जो भी होगा क्योंकि एक पेपर टफ आता है जनरली कोई भी आ सकता है मुझे नहीं पता मैं बाबा नहीं मुझे नहीं पता बी विल प्रे के सर हमारे आठों के आठों के पर अच्छा है क्योंकि सर जब जुलाई या अगस्त में जब रिजल्ट आएगा ना सर इस बार नवरात्र सर से बन के खेलना है ए गज्जू गांडा लगा हाँ ए हेलो सर इस बार दिवाली पर अपना फटाखा अपनी फुलझड़ी को प्यार से देखेंगे अपन सी सीए सर सीए बॉयज यू नो इट सर इस बार दिवाली पे फटाखे you know के पैसे मैं दूंगा पापा को सर गर्ल्स इस बार दिवाली की पूरी पूरी शॉपिंग मैं करवाऊंगी मम्मी को

सो so, जब भी थोड़ा नेगेटिव फीलिंग है कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है सर बहुत प्रस्टेशन है सर कैसे होगा कैसे होगा लुक बिहाइंड टर्न बिहाइंड विल सी द टू मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल ऑन दिस एंड दैट्स योर मोमेंट एंड अगर उनको देख के अगर तुमको स्माइल आ रही है स्माइल आ रही है डर आ रहा है टेंशन आ रहा है भैया तुम पक्का पास हो उनके लिए करके देखो उनके लिए करके देखो कर बाकी बाकी तो क्या है सब कुछ सब कुछ यहीं रहेगा मैं यहीं रहूंगा लॉ यहाँ रहेगा इंच रहेगा इंस्टाग्राम पे वो सब यहीं रहेगा पर भाई वो आगे बढ़ जाएंगे एंड वो आगे बढ़ेगा क्योंकि चाबी तुम्हारे पास है तकदीर की चाबी तकदीर की टोपी बेटा तुम्हारे पास है क्योंकि अगर वो उछली तो भैया उनकी लाइफ सुधर जाएगी उनकी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएंगे माइंड है बट टू इंप्रूव देयर लाइफ यही चाबी है घुमा दो यहां तक पकड़ के तुमको दे दिया है चाबी आगे सोलह दिन तुमको उसको दे दे घुमाना है अच्छे से घुमाओ बाकी इन शाह भगवान तुम्हारे साथ है लॉर्ड जीजस तुम्हारे साथ है भाई गुरु जी तुम्हारे साथ है भगवान तुम्हारे साथ है, सब भगवान अपने साथ है ठीक है अच्छे से करना ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू ठीक है डू कमेंट एंड शेयर कैसा लगा आपको एंड खुद को बोला ये सर आई विल डू इट बाय ठीक है